हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वोम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस वी आर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑल राइट पी आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ पी के लिए नहीं है पी के लिए तो देखो हम कोई और मैकेनिज्म भी डिवाइस करने uh, का प्लान कर रहे हैं क्योंकि पी पे एफ टेलीग्राम तेलि, uh, पे पी बड़ा अनऑर्गेनाइज वे में रहता है तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में अभी डालूंगा पीडीएफ फाइल्स को और एक चीज़ इसके अंदर टेलीग्राम ज्वाइन करने का मेजर रीज़न ये होना चाहिए कि आप वहां पर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो ठीक है बाकी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी फालतू की बात उसके अंदर करोगे या किसी के ऊपर फालतू का कमेंट करोगे तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा ये सीधी सी पॉलिसी है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों अवेलेबल है चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है अमरापली इज अ क्रॉस बिटवीन अमरापली बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता था ये 2021 में क्वेश्चन आया है बेटा ठीक है अब वो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि अमरापली जो है ये किसका वेराइटी होता है है ना वो हालांकि बहुत सिंपल एक क्वेश्चन होता बट डेफिनेटली ही कुड हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू ठीक है तो एक वैलिड क्वेश्चन वो भी बन जाता है आपका एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा कि वो आपका बन जाता है ऑल राइट सो अमरापली क्या है आपका मैंगो का वेराइटी है एंड क्रॉस किसका है मैंगो के जितने भी क्रॉसेज हैं वो इम्पॉर्टेंट है सो so, अमरापली आपका दशहरी और नीलम वेराइटीज का क्रॉस uh, से डेवलप किया गया है ठीक है बेटा तो मैंगो के कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स हैं जो आपको याद रखना है जो आई के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू डेली ने डेवलप किए हैं एंड वो कौन से कौन से हैं सबसे पहले आपका मलिका मलिका है बेटा नीलम एंड दशहरी से उसके बाद अमरापली जो आपका क्वेश्चन के अंदर था दशहरी एंड नीलम पूसा पिताम्बर अमरापली और लाल सुंदरी से पूसा अरुणिमा अमरापली और सेंसेशन वैरायटी से पूसा प्रतिभा अमरापली और सेंसेशन से दो अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर डेवलप की गई हैं पूसा श्रेष्ठा भी अमरापली और सेंसेशन से है पूसा लालिमा दशहरी और सेंसेशन एंड पूसा मनोहरी मनोहरी अमरापली और लाल सुंदरी तो ये सारी की सारी वेराइटीज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं इसके अलावा और भी वेराइटीज हैं लेकिन अभी मैंने यहाँ आप पर आपको सिर्फ़ वो क्रॉस वेराइटीज़ बताई हैं जो आई के आई ए आर आई ने डेवलप की हैं अब देखो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये बेटा आठ वेराइटीज़ आपके आठ क्वेश्चन हैं जिनमें से एक ऑलरेडी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है और बाकियों में से भी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ठीक है ये आठ क्वेश्चन की तरह इसको देखें, वो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है विच अमंग क्रॉस बीन डेवलप्ड बाय आई सी ए आर आई ए आर आई इनमें से कौन सा क्रॉस जो है वो आई सी ए आर आई ए आर आई ने डेवलप किया है ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल एक दे देगा मलिका दूसरा दे देगा अमराप अली तीसरा दे देगा पूसा अरुणिमा चौथा दे देगा आपको पूसा मनोहरी पांचवे ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ दी अबव ठीक है या एक कोई ऐसा ऑप्शन दे चार ऑप्शन ऐसे दे देगा जिसके अंदर आई ए आर आई के क्रॉसेज नहीं होंगे और एक आई ए आर आई का क्रॉस होगा तो उस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है अमरापली को अगर थोड़ा सा और इसके बारे में विचार विमर्श करें तो अमरापली बेटा एक रेगुलर बियरिंग वेराइटी है ठीक है हर साल आपको फ्रूट्स देगा अच्छी परफॉर्मेंस है स्पेशली जहाँ पर ह्यूमिडिटी अच्छी हो एंड दैट इज़ वाई वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ में इसको काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है किचन गार्डन्स यानी कि स्मॉल स्केल के ऊपर और हाई डेंसिटी प्लांट ऑर्किड्स दोनों के लिए सूटेबल रहता है ओके एंड वन ऑफ द पेरेंट्स इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम भी अमरापली को टाइम एंड अगेन यूज किया गया है ओके okay? अमरापली से फर्दर बहुत सारे क्रॉस को डेवलप किया गया और ये जो फ्रूट है इसके अंदर जो कैटोनाइट uh, कंटेंट है ये काफी हाई रहता है ऑल बेटा चलिए नाउ अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ आई आर आर आई एंड इट्स नेशनल रिसर्च पार्टनर्स हैव डेवलप्ड गोल्डन राइस टू कॉम्प्लीमेंट गोल्डन राइस आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल रिसर्च पार्टनर्स नेशनल लेवल के ऊपर कंट्री लेवल के ऊपर गोल्डन राइस डेवलप किया गया है क्या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए विटामिन ए या जिसको आप बेटा क्वारोटीन कहते हो विटामिन बी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन के विटामिन ई e. आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अगर कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है काफ़ी आसान क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर ओवर विल बी ऑप्शन ए विटामिन विटामिन ए ए कैरोटीन ठीक है कैरोटीन गोल्डन राइस के अंदर आपको मिलता है ठीक है जी सो आई आर आर आई और नेशनल रिसर्च पार्टनर्स ने गोल्डन राइस डेवलप किया है ताकि विटामिन ए डेफिशियंसी की जो प्रॉब्लम है जिसको हम वैड भी बोलते हैं विटामिन ए डेफिशियंसी को कैसे लिखा जाता है वी ए डी विटामिन ए डेफिशियंसी ठीक है ये काफ़ी एक सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो स्पेशली uh, बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है और साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज बिकॉज ऑफ इमप्रॉपर डाइट तो दैट इज़ वाई राइस जो एक स्टेपल डाइट है इन कंट्रीज़ का वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर राइस के अंदर आप राइस के थ्रू ये विटामिन ए डेफिशिएंसी को फुलफिल करने की कोशिश करो ओके एंड दैट इज वाई गोल्डन राइस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर अगेंस्ट देयर फाइट फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी। चलिए थर्ड क्वेश्चन

इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स होता है फॉस्फोरस का और इसको आप एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को प्रोडक्शन uh, के लिए और डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर आप रॉक फॉस्फेट की कर रहे हो ये एसिडिक सॉइल्स के लिए काफ़ी सुटेबल कंसिडर किया जाता है क्योंकि जो लो पी है उसके अंदर जो आपका रॉक फॉस्फेट है वो सॉल्यूबल रहता है ओके एंड अल्टीमेटली जब वो रॉक फॉस्फेट लो पी एच के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा तो उससे क्या होगा उससे जो सॉइल

बिटल की बात करें तो मेनली स्टेट ऑफ पंजाब में मिलती है इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है और मिल्क और मीट दोनों पर्पज के लिए बेसिकली इसको ब्रीड किया जाता है एंड स्मॉलर uh, है अगर आप जमुना परी जो यूपी के अंदर मिलती है उससे कंपेयर करो तो कंपेरेटिवली स्मॉलर ब्रीड है कोट कलर इसका ब्लैक होता है या ब्राउन होता है और कोट के ऊपर वाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जनरली व्हाइट स्पॉट्स बने हुए होते हैं एंड मेल्स जो होंगे उसमें आपको बियर्ड दिखेगी दाढ़ी जिसको हम बोलते हैं ओके okay? एंड बहुत ज्यादा हेवी नहीं होते हैं वेट के अंदर एवरेज जो वेट होता है जन्म जन, जन के समय पे तीन किलो का रहता है एडल्ट फीमेल गोट का वेट 40 से 50 किलो के बीच में और जो मेल एडल्ट मेल है उसका 50 से 70 किलो के बीच में वेट रहता है एज एट फर्स्ट किडिंग किडिंग क्या होता है बेटा इट इज बर्थ गिविंग प्रोसेस इन गोट्स ठीक है जैसे हम पिग्स के केस में या स्वाइन के केस में बोलते हैं फेरोइंग ओके तो वैसे ही आपके गोट के बर्थ गिविंग एनिमल्स ठीक है, है. उपर, pig, uh, pig among among तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो पहली किडिंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मंथ्स की एज के अंदर uh, की जा सकती है एवरेज जो लेक्टेशन है uh, है दैट इज वन

591.5 177 days. Yield, आप इसका 591.5 एवरेज कैलकुलेट करते हो देन देर इज ब्रीड कॉल्ड ब्लैक बेंगोल जो आपके ऑप्शन के अंदर ही थी इसके बारे में भी देख लेते हैं कोट कलर इसका प्रीडोमिनेटली ब्लैक ब्राउन ग्रे होता है एंड वाइट विथ सॉफ्ट ग्लॉसी एंड शॉर्ट हेयर्स ड्वार्फ होते हैं बॉडी साइज इनका काफी छोटा होता है जैसे आप बॉडी के अंदर देख सकते हो क्योंकि टांगे बहुत छोटी होती हैं ओके okay? और इसके अंदर आ, आपका जो दोनों सेक्सेज हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों बियर्डेड है जैसे हमने बेताल के अंदर देखा ना कि मेल जो गोट है वो बियर्डेड है, बियर है लेकिन ब्लैक बंगाल के अंदर दोनों जो हैं दे आर बियर्डेड एवरेज वेट जो लाइव वेट बक्का होता है दैट इज अराउंड 15 केजी एंड डो दैट इज फीमेल गोट इट इज 12 केजी ओके एंड मल्टीपल बर्थ्स आर कॉमन टू थ्री और फोर किड्स आर बोर्न एट अ टाइम एक किडिंग के अंदर किडिंग ब्लैक बंगाल के अंदर ट्वाइस अ ईयर रहती है और एवरेज लीटर साइज साइज बेसिकली ये होता है कि ऑन एन एवरेज कितने जो यंग वंस हैं आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ठीक है produced, कितने यंग वंस की डिलीवरी हो रही है एक टाइम में ठीक है किडिंग प्रोसेस में एक टाइम में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सो so, एवरेज रहता है टू पॉइंट वन

ंग दूट इन डिमांड फॉर शू मेकिंग बन गया कि नहीं बन गया वैलिड क्वेश्चन चार वेराइटीजी तो देनी है चार स्पीसीज uh, थी तो लिखनी है गोट की है ना चलो देन वी हैव सानी सानीन बेटा पॉपुलर ब्रीड है डेरी uh, प्रोडक्शन के लिए मेनली और सानेन वैली है जो स्विट्जरलैंड की वहां पर इसका ओरिजिनेट होता है और वहीं से बेसिकली इसका नाम भी आया है जो कोट होती है सानेन की वो वेरी इट इज़ वेरी फाइन और लाइट कलर्ड होती है ओके okay? एंड uh, इसका जो बिल्ड होता है जो बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू टॉगनबर्ग ब्रीड ओके मीडियम टू लार्ज फ्रेम स्ट्रेट डिस्ट फेस इरेक्ट ईयरस ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बस आपने याद रखना है कि सिमिलर होता है टॉगेनबर्ग से एडल्ट सानिन का वेट अराउंड 65 केजी होता है और मिल्क ऑफ सानिन जो ब्रीड है जैसे कि बाकी के गोट्स हैं ये जो गोट मिल्क होता है ना बेटा ये ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है एज कंपेयर टू काउ मिल्क ठीक है और काफी सारी कंट्रीज में इसीलिए गोट मिल्क को प्रेफर भी किया जाता है काफी हाई वैल्यू ब्रीड है यूरोप और यूएस के अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं ऑयल कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर ऑयल कंटेंट ग्राउंड नट के अंदर कितना है बेसिकली ये एक रफ क्वेश्चन है क्योंकि देखो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो एग्जैक्ट ऑप्शन अपने को पता नहीं होते हैं, जो बच्चों से पता चलता है उसी के आधार पर हम फ्रेम करते हैं तो कई बार ये ना ऊपर नीचे हो सकते हैं कि, कि, कितना है तो उसमें अगर आपने याद किया हुआ है तो जो आपने याद किया है हो सकता है कि उससे वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो बट दिमाग चलाना है वहां पर और उसके हिसाब से आइडिया ले लेना है कि हाँ यार इतना मैंने रेंज याद किया था इसमें इतना गिवन है तो क्लोजनेस देख करके आंसर इसके अंदर मार्क कर, कर दीजिएगा तो यहाँ पर आंसर सबसे पहले तो तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा 44 58 के 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 अंदर 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 रहता रहता है। तो है। है है। ये पास स्टेबल कोकोनट जो ऑयल परसेंटेज अराउंड अराउंड 60 सेजम के अंदर 45 52 तो बेटा ये एक दो तीन चार पाँच सात आठ अगेन ये आठ क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर एज इट इज पूछे जा सकते हैं जैसे उसने ग्राउंड का पूछ लिया वैसे वो कोकोनट का भी पूछ सकता है सेजम का भी पूछ सकता है कैस्टर का सेफ्लार का सनफ्लावर का रेप्सिड एंड मस्टर्ड का सोयाबीन का किसी का भी पूछ सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर एंड रेम्यूनोरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन पर क्विंटल फॉर शुगर सीजन 21-22. कितना फेयर एंड रेम्यूनोरेटिव प्राइस जो है वो uh, सरकार ने तय किया है शुगर केन के लिए ये करंट अफेयर का पार्ट है तो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपको ध्यान रखने हैं हाल फिलहाल तो देखो अगर आपका अभी भी कोई एग्रीकल्चर का करंट में एग्रीकल्चर का एग्जाम है तो यही वाला वैलिड रहेगा ठीक है जब सरकार 2022-23 के लिए सेट कर देगी तब आपके लिए वो वैलिड हो जाएगा हाल फिलहाल आपका यहां पर आंसर है ऑप्शन ए 290 देखो जो ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव जैसे बाकी के क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट होता है ना वैसे शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनोरेटिव प्राइस सेट होता है ठीक है और ये जो फेयर एंड रेम्यूरेटिव प्राइस सेट होता है ना ये सेप्टेंबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक का होता है फॉर एग्जाम्पल सेप्टेम्बर दो से अक्टूबर दो अब जब नेक्स्ट एफ आएगा वो किस सीजन के लिए आएगा वो आएगा बेटा सितंबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 इस तरीके से अनाउंस होता है एफआरपी हमेशा तो ये दो सौ पर क्विंटल का सरकार ने जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसने अप्रूव किया था तो एफ समझ लो क्या होता है दिस इज प्राइस डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट भारत सरकार डिक्लेयर करती है इसके तहत क्या है जो भी शुगर मिल्स हैं वो इससे कम दाम पर गन्ना नहीं खरीद सकती फार्मर से कम से कम इतने दाम पर तो उनको खरीदना ही पड़ेगा अब जो मिल्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो फार्मर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लें विच वुड अलाउ देम टू पे द एफ आर पी इन इंस्टॉलमेंट वो फार्मर के ऊपर है कि वो फार्मर इस टाइप का कोई एग्रीमेंट साइन करता है या नहीं करता है जिसके अंदर वो इंस्टॉलमेंट के अंदर वो पैसा उसको पे कर सके अच्छा सरकार ये भी कहती है कि अगर इस टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं है और अगर मिल टाइम से पेमेंट नहीं करती फार्मर की तो उनको फार्मर को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा विच कैन बी अराउंडीन परसेंट पर है 15 परसेंट का ब्याज सालाना आपको देना पड़ेगा ठीक है और अगर कोई मिल फार्मर को उसका एफ नहीं पे करती तो फार्मर जो है शुगर कमिश्नर के पास जा सकता है और शुगर कमिश्नर फिर जो भी अनपेड एफ है वो उस मिल से रिकवर करेगा यहां तक कि वो उसको रिकवर करने के लिए उस मिल की प्रॉपर्टी तक को अपने अटैच कर सकता है उस उस मिल की को यूज कर सकता है उस FRP को रिकवर करने के लिए। okay, अब ये जो FRP की पेमेंट होती है ये एक कानून के तहत इसको गवर्न किया जाता है विच इज कॉल्ड द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर केन कंट्रोल ऑर्डर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर आता है और ये बेसिकली क्या बोलता है कि गन्ना जब किसान ने मिल को डिलीवर कर दिया गन्ना डिलीवर करने के चौदह दिन के अंदर अंदर पेमेंट आपको किसान को करनी पड़ेगी जो मिल है उसको गन्ना डिलीवर होने के चौदह दिन के अंदर अंदर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी ओके और ये एफआरपी डिसाइड कैसे होता है एफआरपी डिसाइड किया जाता है रिकमेंडेशन के ऊपर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस जिसको हम सी भी बोलते हैं ठीक है ये सी ही आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना जो वीट राइस वगैरह के लिए होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी यही रिकमेंड करता है ये रिकमेंड करता है किसको करता है ये रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को ठीक है ये डिसाइड नहीं करता ये सिर्फ रिकमेंड करेगा कि हांजी हमको लगता है इतना एमएसपी होना चाहिए या हमको लगता है इतना एफआरपी होना चाहिए और फिर उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसको हेड करते हैं देश के प्रधानमंत्री वो फिर फाइनली डिसाइड करेंगे कि कितना एमएसपी या कितना एफआरपी होना चाहिए जनरली वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस की रिकमेंडेशन को मान लेते हैं ये जो सी है ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एंड ये जो एडवाइस करता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन होती है सरकार माने इसकी एडवाइस या ना माने वो सरकार की मर्जी है जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जो फाइनली डिसाइड करेगी उसको कौन हेड करते हैं उसको कौन चेयर करते हैं प्रधानमंत्री चेयर करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एफआरपी इज बेस्ड ऑन रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट ठीक है रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे एफ जो है वो शुगर केन के लिए अनाउंस होना शुरू हुआ था डायरेक्टली देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एफ जो है वो किस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है अब एफ को पे कैसे किया जाता है एफआरपी जो होता है ये रिकवरी ऑफ शुगर के ऊपर बेस्ड होता है कि कितना शुगर रिकवर हुआ गन्ने में से ओके और 2021-22 के लिए उन्तीस सौ रुपए पर टन एफ आर पी सेट किया गया उन्तीस सौ रुपए पर टन कह लो या दो सौ नब्बे रुपए पर क्विंटल कह लो एक ही बात हुई ना एक टन में कितने क्विंटल होते हैं दस क्विंटल होते हैं वन क्विंटल इज इक्वल टू हंड्रेड के जी वन टन इज इक्वल टू थाउजेंड के जी है ना वन क्विंटल इज इक्वल टू हंड्रेड के जी वन टन इज इक्वल क्विंटल अगर 290 का है तो 10 क्विंटल कितने का हो गया उनतीसौ रुपए का हो गया तो वही चीज आ गई ना यहां पर तो एफ आर पी फिक्स किया गया 2900 पर टन जिसका बेस रिकवरी है 10 परसेंट जैसे अब उसने क्वेश्चन के अंदर अगर यह पूछ लिया कि कितना प्राइस सेट किया है वो ये भी तो पूछ सकता है कि बेस रिकवरी कितना सेट किया है अब ये शुगर रिकवरी होता क्या है शुगर रिकवरी इज द रेशियो बिटवीन शुगर प्रोड्यूस्ड वर्सेस क्रेन क्रश जितना आपका गन्ने का वेट है जितना आपका गन्ना यूज हुआ है अल्टीमेटली उस गन्ने को यूज करके कितना शुगर का प्रोडक्शन हुआ है ओके जितना रिकवरी हाइयर होगा गन्ने का उतना ज्यादा एफ आर पी हाइयर होगा क्योंकि उतनी ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन होगी अब एफ आर पी अनाउंस करते हुए क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है गन्ने को प्रोड्यूस करने का में कितना खर्चा आया फार्मर को रिटर्न टू द ग्रोवर्स फ्रॉम अल्टरनेटिव क्रॉप एंड जनरल ट्रेंड ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर किसान गन्ने की जगह कोई और क्रॉप ग्रो करता कोई अल्टरनेटिव क्रॉप ग्रो करता तो उसको कितना पैसा बनता ये भी तो देखना है अब फार्मर को एनकरेज रखना है ना कि हां तुम देश के अंदर गन्ना लगाओ नहीं तो वो सब ऐसा अगर उनको दिखा कि यार ये फॉर एग्जाम्पल गन्ने का क्रॉप हमसे ज्यादा फायदा हमें कोई एक्स वाई जेड क्रॉप दे रहा है तो सारे किसान एक्स वाई जेड क्रॉप ग्रो करना शुरू कर देंगे पर सरकार तो ये नहीं चाहेगी ना तो सरकार कहती है कि ठीक है तुम गन्ना उगा रहे हो ऑल्टरनेटिव क्रॉप नहीं उगा रहे हो तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा डिफरेंस होगा उसको हम कंसिडर करेंगे एफ के अंदर जो कंज्यूमर है जो फाइनल कंज्यूमर है उसको किस प्राइस के ऊपर शुगर अवेलेबल है उसको भी कंसिडर किया जाता है दाम अब के ना बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे मोलासिस बैगस प्रेसमेड इनसे भी आप वेरियस कॉमर्शियल आइटम्स को मैनुफेक्चर कर सकते हो जो आपको फर्दर रिका देगा तो अल्टीमेटली इसको भी कंसिडर किया जाएगा कि मिल ने जो गन्ना इस्तेमाल किया

सो so, यहाँ तक आज हम करेंगे ओके okay? एंड इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर एंड कोई भी डाउट हो बेटा व्हाट्सएप कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेल कर सकते हो कमेंट में बात कर सकते हो ठीक है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें एंड दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय